Welcome teachers, in this video I will tell you how to teach through Google Classroom. So let's see. सबसे पहले हम अपनी Google Classroom ऐप इसको क्लिक करेंगे. जब हम Google Classroom ऐप को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे सारे क्लासरूम्स आ जाएंगे. तो अब हमें जिस भी क्लासरूम में हमें पढ़ाना है, जैसे कि मान लो मुझे फिफ्थ EVS में पढ़ाना है, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया. क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर राइट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ सेटिंग्स का बटन आ रहा है. आप सेटिंग्स को क्लिक करेंगे. सेटिंग्स में यहाँ पर आप देखेंगे जनरल. जनरल में क्लास कोड है. क्लास कोड को आप टच नहीं करेंगे. यहाँ पर वीडियो मीटिंग लिंक, अगर आपको यही वीडियो मीटिंग लिंक रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर थ्री डॉट्स जो उसके सामने दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपने वीडियो मीटिंग लिंक को सेट कर सकते हैं. जैसे कि मैं देख रहा हूँ रीसेट मीटिंग लिंक, रीसेट मीटिंग लिंक कर देंगे. उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे. ऊपर आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ सेव है, यहाँ पर हम सेव कर देंगे इसको. सेव करने के बाद जितने बजे आपको क्लास लेनी है उससे 5 मिनट पहले आप जो अपना वीडियो मीटिंग लिंक ऑन कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा से हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे विजिबल टू स्टूडेंट्स के आगे एक ऑन ऑफ का बटन है, उसको हम ऑन कर देंगे. ऑन करने के बाद ये जो लिंक है ये बच्चों को भी विजिबल होगा. ऑन करने के बाद हम सबसे पहले इसको सेव कर देंगे. सेव करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो बच्चों को लिंक दिखाई नहीं देगा. तो यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया. अब आप देखेंगे यहाँ ऊपर सेटिंग्स के लेफ्ट साइड में कैमरे का आइकन आ रहा है. ये कैमरे का आइकन जो है बच्चों को भी अपने क्लासरूम में दिखाई देगा. जब आप यहाँ से विजिबल कर देते हैं लिंक को तो वहाँ पर बच्चों को ये कैमरे का आइकन अपने क्लासरूम में दिखाई देता है. तो हम इस कैमरे के बटन को क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और बच्चे भी इस कैमरे के बटन को क्लिक करके उसी मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं. तो जैसे ही हम कैमरे का बटन, ये वाला जो बटन है, ये हम क्लिक करते हैं तो हम अपनी मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से हमने अपनी मीटिंग ज्वाइन कर ली. मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम इस वाली स्क्रीन पर टच करेंगे तो हमारे सामने ऐसे यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट्स आ जाएंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री डॉट्स आ रहे हैं. ये थ्री डॉट्स को क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, स्विच कैमरा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट स्क्रीन. इन दोनों ही ऑप्शंस के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं. तो जैसे हमारे पास स्विच कैमरा की जो ऑप्शन है उसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा कैमरा ऑन हो जाता है और जो है बच्चे जो है जो भी आप डॉक्यूमेंट उसमें दिखाना चाहते हैं वो जो है कैमरे के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं. और दूसरी जो ऑप्शन है दैट इज़ प्रेजेंट स्क्रीन. जब हम प्रेजेंट स्क्रीन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से स्टार्ट प्रेजेंटिंग आता है. स्टार्ट प्रेजेंटिंग को क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से नेक्स्ट स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ को क्लिक कर देंगे और इस तरह से हमारे पास पेज आ जाएगा. जब ये पेज आ जाएगा तो हमें इस पेज को मिनिमाइज़ कर देना है. नीचे अपनी फ़ोन की जो मिनिमाइज़ वाला बटन है बीच में, उस पर जाकर हम इस स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देंगे. इसके बाद हमें जो भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी जो भी प्रेजेंट करना है बच्चों को वो हम जैसे प्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा है. जैसे मान लो मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर रखा है तो यहाँ से अगर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट अपना दिखाना चाहती हूँ बच्चों को या कोई इमेज दिखाना चाहती हूँ तो गैलरी से दिखा सकती हैं. और अगर कोई PPT दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी आपकी PPT सेव है उसको आप दिखा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक PPT जो है वो बच्चों को दिखा रही हूँ. तो यहाँ पर आप इसको बड़ा छोटा करके दिखा सकते हैं बच्चों को. और आप जो है ADV स्क्रीन रिकॉर्डर का जो पेन है वो भी आप कुछ भी मार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप जो है यहाँ पर कुछ मार्क करके भी दिखा सकते हैं बच्चों को. कुछ हाईलाइट करना है तो इस पेन से आप हाईलाइट कर सकते हैं. तो इस तरह से आप जो है अपनी PPT या फिर PPT को एक्सप्लेन करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं. इसके बाद जब आपकी ये जब आप PPT के थ्रू पढ़ा चुके होंगे तो उसके बाद आपको वापस अपनी गूगल क्लासरूम में वापस आना है जहाँ पर आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी. तो इसमें आपको अब स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देना है. स्टॉप प्रेजेंटिंग करेंगे तो आप वापस से अपने क्लासरूम में आ जाएंगे और बच्चों के साथ वापस अपने क्लासरूम में इस तरह से वापस आ जाएंगे.
और आप बच्चों के साथ अब यहाँ पर इंटरेक्शन कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक चैट बॉक्स की ऑप्शन भी है, चैट बॉक्स में आप बच्चों से उनके कमेंट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर आप चैट बॉक्स में मंगवा सकते हैं और चैट बॉक्स के थ्रू देख सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू जो है हम गूगल क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। थैंक यू टीचर्स।